टेलीप्रॉम्प्टर लगा भाई। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेख करने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता था, कभी उत्तराखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। साथियों, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की सादगी और स्नेह मुझे हमेशा अभिभूत कर देता है। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में यहां के अनेक शहरों में गया, आप लोगों से संवाद किया। मुंबई में तो जो रात में सभा हुई थी उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी। इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकालकर इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। के सपनों का संकेत भी है। साथियों, मैं रशिया में था,
तब भी मुझे मुंबई का हाल मिल रहा था। मैं कल सुबह ही वहां से लौटा और फिर शाम को बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में रात भर इसरो के अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ रहा। उन्होंने जो हौसला दिखाया है उसे देख करके मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने लक्ष्य के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, बड़ी से बड़ी चुनौती में भी पूरी तन्मयता के साथ कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ये इसरो के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों से हम सब सीख सकते हैं। भाई और बहनों, विघ्न विहिता विरमन्ति मद्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहत्यमानः प्रारब्ध मुत्त मुगुणा न परित्यजन्ति। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथियों, इसरो और उसके साथ काम करने वाले लोग ये तीसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। और साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी वही है, चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरिट के बारे में बहुत सुना है, देखा है, अनुभव किया है। आज इसरो के लोगों की स्पिरिट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आपसे भी उन बातों को जरा शेयर करूं। भाई और बहनों, अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास,
गणेशोत्सव की उमंग और इसी माहौल में आज महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। मुंबई के बाद मेरा औरंगाबाद जाने का भी कार्यक्रम है, वहां भी अनेक परियोजनाओं की शुरुआत हुई। मैं विशेषकर मुंबई और उसके सब अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है। नई मेट्रो लाइन हो, मेट्रो भवन हो, मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, ये सभी परियोजनाएं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम तो देगी ही, यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद करेगी। बांद्रा कुर्ला को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आए। बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है, अब यहां आना जाना और आसान होगा, कम समय में हो पाएगा और अब तो मिनटों में हो पाएगा। हर कोई आवाज करता है मिनटों में मुंबई। इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुंबई वो शहर है जिसकी गति ने देश को भी गति दी। यहां के परिश्रमी लोग, यहां के प्रोफेशनल्स, यहां की माताएं बहने युवा, आप सभी लोग इस शहर से प्यार करते हैं, गर्व से कहते हैं मैं मुंबई का। बीते 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं भली भांति जानता हूं। आज इन्हीं सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धीरे धीरे बदलाव आने की शुरुआत हो, और मैं इसे सबसे सकारात्मक पक्ष ये देखता हूं कि वर्तमान के साथ ही भविष्य की जरूरतों, आने वाले दशकों की आवश्यकताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। इस राशि का बहुत बड़ा लाभ मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों को भी होने वाला है। साथियों, देश भर में शहरों में मोबिलिटी को, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम पर बल दे रहे हैं। रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, ऐसे हर माध्यम एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। आज यहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए भी
एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। इसमें आने जाने के अलग अलग माध्यम, जैसे मुंबई लोकल हो, बसों का सिस्टम हो या फिर मेट्रो, इनका कैसे सही उपयोग हो सके इसका विस्तार से ब्यौरा दिया है। खासतौर पर मुंबई मेट्रो के लिए मास्टर प्लान इसमें बनाया गया है।